चल गई ना तो मन गए, आ गई ना तो नस नस में तो गई ना समाए, डाल दिला परेशानी गजब के। नमस्कार प्रणाम। थोड़ा सा देर हो गया है, आप लोगों को समय 10:30 का दिया था मैं। रामाकांत यादव जी हेलो, महेश कन्हैया जी हेलो, राकेश सिंह जी हेलो, रामाकांत यादव जी हेलो भैया हेलो, श्री राम कुमार गुप्ता जी हेलो, राजपूत धीरज जी क्या हाल है भैया बढ़िया, गोविंद सिंह जी हेलो, मुकेश कुमार लिख रहे हैं जय हो, आदित्य नारायण जी हेलो। लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए और आज आप सबको बताएंगे कि विरोध के साथ साथ अब गाली देने वाले कलाकारों को, फैंस लोगों को जो एक दूसरे के लिए गालियां देते हैं, चाहे किसी के फैंस हो, कानूनी कार्रवाई जोर शोर से शुरू हो गया है चलना। तो अब एक एक करके बारी किस किस का आएगा, लाइव में बने रहिए, बताएंगे। लाइव को पहले जोरदार शेयर लगाइए, बात दूर दूर तक जाए ताकि लोग समझ सके कि गाली देने का अंजाम क्या होता है, और जब तुम अंदर जाओगे तो कौन से तुम्हारे सगे मौसा, कौन से तेरे अश्लील कलाकार जिसको अप्पा अप्पा कहते हो, कौन आएगा तुमको छुड़ाने। आज तकलीफें तो माँ बाप का हो रहा होगा, विमलेश यादव चला गया ना, धमकियां गालियां बहन बेटियों को, इसको उसको, अरे यार क्या मिलता है वो तो आज तक हम समझ ही नहीं पाए क्या मिलता है वैसे लोगों को, जो एक कलाकार के लिए, तुच्छ लोगों के लिए, एक दूसरे की माँ बहनों की दिन रात गालियां देते हैं। और अब तो मैं कार्रवाई कमेंट्स में गालियां देने वाले पर भी करना शुरू कर दिया हूँ। लोग सोचते हैं कि कमेंट्स में आकर गालियां लिख दिए उससे कुछ नहीं होता, अरे बेटा कमेंट्स में तुम्हारा ना वो सिर्फ तेरे फेसबुक आईडी से जाके ना तेरे घर तक पहुंच जाएगा, समझे, और खींच कर, अभी तुम आईटी वाले को जानते नहीं हो। सोशल क्राइम के बारे में अभी जानकारी नहीं है कि उसका खामियाजा क्या होता है। हेमराज जी कह रहे हैं बहुत देर कर दिए भैया, अरे माफी चाहेंगे सारे भाइयों से, थोड़ा सा देर हुआ है, क्या है कि ध्यान से उतर गया था, कुछ और कर रहे थे और ध्यान में रहा ही नहीं। चलिए देर आए दुरुस्त आए, आप सबको भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, आपका भाई आपका दोस्त लाइव आ गए हैं, बातें करेंगे, लोगों को आज जोड़ेंगे भी यार, बहुत दिन हो गया जुड़े हुए भाइयों को, बहुत दिन हो गया, अब आज आप सब से जुड़कर आप सब से वो बातें करेंगे जो निरंतर कितना सुधार हो रहा है, कितना मुहिम कार्य कर रहा है जमीनी स्तर से, आज आप सबसे बातें करेंगे क्योंकि समय चल रहा है भैया लगन के, समझें, और लगन के चल रहा है तो गाना तो बजिए रहा होगा कि रात भर ढील दा ढोड़ी जानी छील दा। तो लाइव को देखिए बहुत लोग जुड़े हुए हैं, शेयर करने का पहले भी बोले कि पैसा नहीं लगता, लेकिन शेयर करने हम इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि आपके शेयर से आपके फ्रेंड लोग भी आएंगे, बातें दूर दूर तक जाएगी, और कोई दूसरा कोई मुद्दा नहीं होता, बातें करने में मजा भी आता है, चलो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और दिलोजान से बातें करते हैं। चलिए जोड़ने का प्रयास करते हैं, पहले जोड़ेंगे मिथिलेश विश्वकर्मा जी का मैसेज सामने में दिख गया है, इनको रिक्वेस्ट मैं भेज दिया हूँ, एक एक करके प्रयास करेंगे कि लमसम लोगों से आज बात किया जाए, और रिक्वेस्ट चला गया है मिथिलेश विश्वकर्मा जी, आज एक सुपरस्टार के फैन था, कहता था कि हम इसके फैन हैं और इसके फैन ही करेंगे, तो आज चला गया वो, समझ रहे हैं ना, अंधार कोठरी में मजा ले गए। चलिए डिक्लाइन कर दिए हैं वो रिक्वेस्ट को, किन्हीं और भाइयों को जोड़ेंगे, बाकी हम आप सबसे विनती करेंगे, आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा आज, प्लीज प्लीज विनती है हमारा, आप सब किसी को गाली मत दीजिए, किसी को मत दीजिए यार, जैसी माँ बहनें आपकी हैं वैसी ही माँ बहनें औरों की भी है, आप बताइए ना, चंद अश्लील कलाकारों के लिए क्या, देखिए फैन रहना बुरी बात नहीं है, फैन रहिए और पसंद करना भी अलग दायरा है, लेकिन इस दायरे में ही रह के पसंद कीजिए और फैनगिरी कीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी माँ बहनों को गालियां, उसकी माँ बहनों की गालियां, बहुत सारी चीजें नहीं करिए आप सब, प्लीज, आपको वो गाली देगा, दो गाली आपको वो देगा, रिप्लाई में ही होता है, लेकिन मिलता क्या है, शर्मसार माँ बहने होती है, अरे आपका भाई तो सुनता ही है, जब आपका भाई सुन रहा है तो फिर आप किसी को मत दीजिए, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जितने
हमारे समर्थन करने वाले लोग हैं, प्लीज हमारे लिए भी किसी को गालियां मत दीजिए यार, अच्छा नहीं लगता है। आपका भाई सुन रहा है ना, खत्म कीजिए, भाई में बर्दाश्त करने की क्षमता है, टॉलरेबल कैपेसिटी है, हम कर लेते हैं टॉलरेट। बाकी ज्योति शर्मा जुड़े हुए हैं, राम राम, राम राम आपको भी ज्योति जी। गणपत राव जी कह रहे हैं सबकी बारी आएगी, कुछ लोग निकल के तुर्रम खान समझ रहे हैं, तो समय सबको अपने घेरा में लेता है, इंतजार थोड़ा सा समय लगता है, इंतजार करिए। जो खुद को तुर्रम खान समझते हैं, जो खुद को बहुत बड़े ये समझते हैं कि जेल चले गए बाहर आ गए, वो देखिए ये लोग को सोशल साइट पे जो कार्रवाई होता है, समझे इसके बारे में पता नहीं है। शायद आपको बता दें कि एक बार तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर चले गए ना, तो 3 महीना और 2 महीना नहीं, 5 साल तक कोई गुंजाइश नहीं है, समझे। तो इसलिए आप सबसे कहेंगे गालियां किसी को मत दीजिए किसी के लिए। हाँ, आपको हम अच्छे लगते हैं, आपको हमारा मुहिम अच्छा लगता है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगले को मेंशन कीजिए जिसको आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन यार किसी के लिए किसी को गालियां मत दीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लगता। चलिए रोहित सिंह जी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, रिक्वेस्ट इनका देखा सामने में, बाकी एक एक करके सबको जोड़ेंगे, जितने लोग जुड़े हैं सबको स्वागत है। और चलिए वो भी रिक्वेस्ट, चलिए रात्रि काफी है, और जो चाहते हैं जुड़ना उनको मैं जोड़ता हूँ, और रिक्वेस्ट बहुत सारा आया हुआ है, मैं प्रयास करता हूँ, प्रयास करता हूँ जोड़ने का। चौधरी कौशल जी को रिक्वेस्ट मैं भेजा हूँ, चलिए ऐड हो जाइए चौधरी कौशल जी। पवन सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए मनी चौधरी बहुत बहुत, बहुत क्या हाल चल रहा है तुम भी लोग। चलिए जिनको जोड़ना हो, जो लाइट में हैं, एक बार हमको रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, जिनके जो लाइट जलाए हैं सो गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइट जलाकर अगर हमारे लाइव को आप देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को, तो बताइए मैं आपको ऐड करूंगा, आपको बात हम समझते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, खुशबू तुम गाना गाती है उसके साथ जो रास्ता उसको सिखाता है कब आए। देखिए यार हम किसी का नाम नहीं लेते हैं बेवजह, एक कहावत है कि जब तक हम शांत हैं हमको कोई ना छेड़े, हम यही कहते हैं प्लीज, हमारा कोई ना छेड़े, हम सुनते बहुत ज्यादा हैं और कहते हैं और करते बहुत कम हैं, जब दर्जनों दफा 100 दफा सुनते हैं तो कभी कभी बोलते हैं आगे। रमाकांत यादव जी मेरा एक्सेप्ट कीजिए, बिल्कुल रमाकांत यादव जी आपको हम रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, आ जाइए जुड़ जाइए। गुड इवनिंग भैया रुस्तम सिंह मौर्या, रमाकांत यादव को रिक्वेस्ट चला गया है, मुकेश शर्मा, रमाकांत यादव जी को जला लीजिए आप। जी सर, हेलो, जी भैया स्वागत है भाई, बोलिए। अरे जी स्वागत है, भैया, कहाँ से हैं आप, जी भैया, बिहार कटिहार से, कहाँ से हैं, कटिहार बिहार के कटिहार जिला से, जिला। अरे जी भैया, वाह स्वागत है रमाकांत जी जी, भैया, कहाँ रहते हैं आप, कटिहार में ही भैया, कैसा लग रहा है हमारा मुहिम आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक अकेले ही सबका मतलब सबके विरोध कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है तो ये आप आज। एक बात बताइए रमाकांत जी, एक बात बताइए आप अपने जाति के कलाकार को सपोर्ट काहे नहीं करते हैं, बहुत लोग तो करता है, इस उसके उसको क्या कहना देखिए चाहेंगे। भैया, यहाँ जातिवाद नहीं हो रहा है, जो गलत कर रहा है उसका विरोध करना है, यहाँ जातिवाद बिल्कुल ही नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि मैं यादव हूँ तो मैं यादव को सपोर्ट करूँ, या फिर मैं यादव हूँ तो किसी और को सपोर्ट करूँ, जो सही कर रहा है उसका सपोर्ट करना है, यहाँ जातिवाद नहीं करना है। जैसे बहुत आप अभी बढ़िया, जो जैसे आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, ये बहुत पहले किसी को और को करना चाहिए, लेकिन ये किसी ने नहीं किया, ये आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका साथ हूँ। वाह 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 वाह, लव यू मेरे भाई, आप जैसे लव ही यू भाइयों भैया, के लिए हम खड़े हैं, और आप जैसे भाई जब जुड़ते हैं हमारे साथ ना, तो हमारा ताकत 3 गुना बढ़ जाता है। चंद जी भैया, लोगों के सही लिए हम बात, नहीं है, चंद लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं आप। रविकांत यादव, क्या नाम हुआ, शशिकांत, क्या नाम था, रामाकांत, रामाकांत यादव जी, बहुत सारे लोग जातिवादी मानसिकता को लेके एक दूसरे का समर्थन या सपोर्ट करते हैं, तो हम कहना चाहते हैं वैसे लोगों से कि अगर तुम्हारे घर कभी विपत्ति आएगा तो कहोगे कलाकार को कि तुम्हारे जात का है, जरा 5,000 रुपया मदद कर दो, करेगा क्या,
साला बात नहीं भी बिल्कुल नहीं नहीं करेगा, करेगा पहचानेगा भी नहीं, और उसके लिए माँ बहनों की गालियां देते हैं यार एक दूसरे को, कैसा दोस्त। सही पता बात नहीं है। क्या सीखता है लोग। अभी देखिए भैया कि जितना भी गाना अगर हिट हो रहा है अश्लीलता का, अश्लील वाला गाना, तो वो हिट करने पे वो हम लोगों का ही हाथ है। अगर हम लोग ही उसको, अगर हम लोग ही उस गाने को नहीं सुने, तो वो हिट बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया लगा, हम कहना चाहेंगे जीतू जी को रिक्वेस्ट गया है आप जुड़े रहिए, ऐसे करके आज लगभग लोगों से मनसा जानेंगे, बात करेंगे। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो जातिवादी मानसिकता से सपोर्ट करते हैं कि हमारा कलाकार गंदा गाए अच्छा गाए, हमारा जात का है तो जिंदाबाद है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं कहना जी भैया मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जातिवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। जो गलत कर रहा है उसका विरोध करना है, क्योंकि कोई भी अगर गाने गा रहा है माँ बहन को लेकर, उस जगह पे माँ बहन मेरी भी है, किसी थोड़ा और की भी तेज है, बोलिए, आपकी भी तेज है। बोलिए, ठीक जीतू जी स्वागत है आपका, थोड़ा सा तेज बोलिए आप। बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया, रम लगे रही है भैया, हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं भैया कहाँ से हैं जीतू जी आप? जी। हम बिहार शरीफ से हैं, नालंदा से। अरे वाह, हमर बगल की रे महाराज। चलिए अच्छा है, एक बात हमें बताइए कि आपका इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री के, आप अपना फेवरेट कलाकार का नाम बताइए। भैया सबसे अच्छा मेरे लिए रबी किशन है। रबी किशन ऐसा कोई एक्टर है ही नहीं है। अच्छा, चलिए एक्टर, आप सिंगर का नाम बताइए जिसका गाना आपको सबसे बढ़िया लगता है। सबसे अच्छा मनोज तिवारी का भी गाना अच्छा लगता है। कुछ कुछ सॉन्ग पवन सिंह का भी अच्छा लगता है। अच्छा, जो भक्ति गाना सब लोग गाए हैं वो बहुत अच्छा लगता है। भक्ति और गाना वाकई में सभी का अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने समय में रवि किशन जी ने भी अश्लील गाया था, बहन बेटियों का नाम लेके गाया था, जी सही बात है। कि बहुत सारा वैसा गाना था, और पवन सिंह भी बहुत वैसे गाना गाए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम भूतकाल का बात नहीं करते, हम भविष्य का बात करते हैं कि अब अश्लील नहीं होना चाहिए, जागरूक हो चुका है पूरे बिहार वासी, पूरे झारखंड वासी, पूरे यूपी के लोग, अब अश्लीलता नहीं चलेगा, पहले तुम गाए सो गाए, है कि नहीं? बिल्कुल सही भैया, दम बिल्कुल सही भैया। ये चीज दम हो दम समाज से बिल्कुल खत्म होना चाहिए भैया। अब क्या कहना चाहेंगे आप, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों भाई से हम चाहेंगे और कुछ लोगों को जोड़ेंगे, आप दोनों भाई जाते जाते क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो अश्लील कलाकारों को समर्थन करते हैं कि हमारा जात का है, वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जातिवाद तो एकदम नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जातिवाद गाना में एकदम हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो बढ़ावा दे रहे हैं जातिवाद गाना को, तो वो तो बिल्कुल अपने खुद अपने पैर को अपने सीधे काट रहे हैं। अपना आने वाला जनरेशन को बिल्कुल वो गलत में ढकेल रहे हैं, बिल्कुल गलत बिल्कुल, की ओर रास्ता की ओर लेके जा रहे हैं भैया। जैसे हम एक वो बात जानना हमारे चाहेंगे, एक बात नेता मुझे बताइए, भैया जैसे हमारा जातीय कलाकार है पवन सिंह, आज तक कितने गरीब जी, लड़कियों की शादी किए हैं वो, कितने गरीब लड़कियों को शादी करवाए हैं, वो तो खैर मेरे को मालूम नहीं है। या फिर कितने वैसे लोगों की नौकरी दी दे दिए हैं। देखिए, सबको अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए खुद कमाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है, लेकिन आजकल के कुछ चंद मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, जी सही गलत बात कह रहे है तो बोलिए। जी, चलिए बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात बिल्कुल है भैया, बिल्कुल भैया भैया। आखिरी में 2 मिनट इसमें लेंगे आपसे, कि जाते जाते आप हमको क्या कहना चाहेंगे दोनों भाई, क्योंकि गलतियां भैया देखिए एकदम हम भी परिपूर्ण नहीं है, गलत हमने भी कभी कभी कहीं ना कहीं होता है, तो आप बताइए, हम भी सीखेंगे, आप सबसे ही सीखते हैं हम, तो बताइए जाते जाते क्या कहेंगे। नहीं भैया, बिल्कुल एकदम एकदम ये चीज होना चाहिए भैया। समाज से बिल्कुल एक गंदगी साफ होना चाहिए। और जो इस तरह का जो कर रहा है उसका परिवार को एकदम नहीं बारे में सोच रहा है कि मेरा आगे वाला पीढ़ी को क्या प्रभाव पड़ेगा। अपना बहन को, अपना बेटी को, अपना नाम ले ले करके कुल जो गाली लोग देता है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जो समाज बताइए में बिल्कुल ना गंदगी रंग जीतू जा जी, रहा है। जीतू जी एक बात मुझे बताइए यार, मैं आज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि आज बोल रहा हूँ लाइफ में, मैं आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ, अपने जो बच्चे आएंगे, हमारे जो जी भाई छोटे आएंगे, हम लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं यार, हमारा उम्र बिल्कुल सही गुजर बात है गया, भैया, बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही जाते बात जाते भैया, यही कहिए चीज आप मैं सोच हमें हम हमारी कुछ गलतियां को कहिए, हम थोड़ा सा आप लोग से विदा लेना चाहेंगे, कुछ और भाइयों को जोड़ेंगे, बताइए कुछ दो शब्द हमारे बारे में भी कहिए, कुछ कहाँ गलत है हम। नहीं भैया, बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया। जो जो कर रहे हैं भैया, हम ये बात को आपको कितना हूँ धन रुपया तौल से बाहर नहीं तौला जा सकता। जो आप कम कर रहे अरे हैं भैया, हम सराहनीय कर रहे हैं भैया।
एकदम आप लगे रहिए भैया, बहुत हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। अरे शुक्रिया, आप कहिए यादव जी, श्रीकांत जी आप भी क्यों कहिए दो शब्द हमारे बारे में। जी भैया मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ जातिवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, जो गलत कर रहा है उनका विरोध करना है, जैसे आप अभी विरोध कर रहे हो, ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन आप अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये पहले किसी ने नहीं। कहना चाहूंगा भैया कि आप चलिए दिल से सैल्यूट आप दोनों भाइयों को, अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बात करके, बहुत बढ़िया लगा। फिर कभी लाइव में जुड़ेंगे तो इसी प्रकार की बातें होगी, और फिर प्रयास करते हैं कुछ लोगों को जोड़ने के। मुकेश कामत, ये मुकेश कामत लिखा हुआ है, भाई आप जुड़ो, ये कह रहा है कि खेसारी लाल के खिलाफ चलाते और किसी के खिलाफ नहीं। ओ भाई आओ, तुमको रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, और जुड़ो, तो जुड़ो फिर बातें हम लोग मिल के करेंगे और सवाल तुमसे भी करेंगे। आइए आइए जुड़िए जुड़िए जुड़िए, रिक्वेस्ट चला गया है, बिल्कुल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं भाई जी, एक एक करके सबको जुड़ने का प्रयास करेंगे। अविनाश भारती जी, रिक्वेस्ट आपको चला गया है, आइए सबको जुड़ेंगे प्रयास। देखिए जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो लाइव में दिखेंगे उनको हम जुड़ेंगे, दो लोगों को रिक्वेस्ट गया है, दो लोग जुड़ जाएंगे। हेलो, हेलो, नमस्ते भैया, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बढ़िया, आप लोगों का प्यार है भाई लोगों का। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अविनाश कुमार वा, मैं बिहार जिला के, बिहार राज्य के मधेपुरा जिला से हूँ। मधेपुरा से हैं आप, अरे बढ़िया, कहाँ रहते हैं आप? फिलहाल मैं नोएडा फिल्म सिटी में रहता हूँ, मैं मतलब म्यूजिक का ही कोर्स कर रहा हूँ अच्छा अच्छा यहाँ फिल्म सिटी में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आप युवा हैं और हमारे छोटे भाई हैं आप, और हम कहना चाहेंगे कि बताइए कि भाई से गलतियां आपका कहाँ हो रहा है। नहीं भैया, आपका आप जो भी मुहिम चलाते हो मैं उनमें बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, जो पहले चलना चाहिए था वो अब चल रहा है। अरे आप सब भाइयों की वजह से ही। नीतू नीतू तिवारी जी कह रहे हैं कि हमको ऐड कीजिए, नीतू तिवारी आपको रिक्वेस्ट चला गया है, कोई बात नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है ना अविनाश जी, देखिए जिंदगी में लोग मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता है, समझ रहे हैं, हम भी परिपूर्ण नहीं है, गलतियां कहीं कहीं हमसे भी हो जाती है, तो हमारा काम है, देखिए गलती मान लेने वाले, माफी मांग लेने वाले छोटा नहीं होता, उसका कद और बढ़ जाता है। इसलिए हम हर बार आप सबसे कहते हैं कि अगर गलत हम कहीं हैं तो प्लीज हमको आप सब बताइए यार हम कहाँ गलत हैं, क्योंकि इच्छा हमें भी होती है जानने की। मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं आपका गलती तो नहीं देखा हूँ, जिस तरह से आप रेलते हैं ना गंदे गंदे गंदगी कलाकार को, उस तरह रेलाई जारी रखिए, बहुत मतलब अच्छा लगता है, कचरा साफ हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़िया है, ये लड़ाई आप सबके लिए है, हमारा पर्सनल लड़ाई नहीं है। एक पाठक जी हैं, एक बार पाठक जी लाइट जला लीजिएगा, भाई जी लाइट जला लीजिएगा, फिर लाइट जलाने के बाद सामने में आएंगे, बातें करेंगे हम लोग। और कहाँ से हैं पाठक जी आप? मैं सासाराम से हूँ। अरे वाह, एक भाई सासाराम से, एक भाई मधेपुरा। जी भैया, आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए बहुत बढ़िया, आप पाठक जी सासाराम से हैं आप बताइए कि आपका फेवरेट कलाकार कौन है भोजपुरी में, किसका गाना आप सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा समझते हैं? हेलो, बताइए पाठक जी। हेलो हेलो, आवाज आपको हमारी नहीं जा रही है क्या? हेलो, सासाराम वाले भाई के पास आवाज शायद हमारा नहीं जा रहा था। अब जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से इस मुहिम को लेके, बताइए। ऐसे भैया मैं तो ज्यादातर मतलब गांव में जब रहता हूँ तो भोजपुरी सॉन्ग मतलब बजता है, थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलिए, आवाज कम आ रहा है आपका, थोड़ा तेज बोलिए। मैं गांव में रहता जाता हूँ वहाँ भोजपुरी सॉन्ग बजता है, मगर मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ तो वहाँ कुछ ऐसा गाना बजता है जो मतलब शर्म लगने लगता है, खुद वहाँ से उठ के आना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा भोजपुरी नहीं सुनता हूँ, तो मैं हिंदी ही सुनता हूँ और हिंदी गाना का ही तैयारी कर रहा हूँ यहाँ फिल्म सिटी में। रोशन यादव जी को रिक्वेस्ट चला गया है, चलिए बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात आज कहने और बताने आए थे, लगातार 3 4 5 लड़के लाइन में है, कतार में है। रोशन यादव जी लाइट जला लीजिएगा अपना,
और एक चंद लड़का है जो दिन रात गालियां देता है, उसका भी नंबर बहुत जल्द आएगा, टिकारी का रहने वाला है और बहुत जल्द उसका नंबर आएगा। और तीन चार लड़के हैं, जैसे जैसे जाएंगे खुलासा होगा। लाइट जला लीजिए रोशन बाबू। हेलो, नमस्कार सर। अरे नमस्कार, तू तो हमारा भाई है रे पगला। कहाँ सर हो तो अभी? इसमें हम तो यहीं चेन्नई तमिलनाडु में ही है सर। अच्छा, लोगों को बताओ कहाँ के रहने वाले हो रोशन? मैं सीतामढ़ी से रहने वाला हूँ, बिहार के सीतामढ़ी जिला से। अरे वाह, मतलब सीता माँ की धरती से हो रहने वाले, और तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों से सवाल तुमसे करेंगे, तुम्हारा तो हम कमेंट्स लाइक शेयर मतलब आई लव यू समझो कि हाँ, तुम में तो शुरू से हमारे साथ जुड़े हो और अच्छा लगता है, क्योंकि तुम जैसे हमारे साथ कुछ नहीं लेकिन हाँ 20% लोग हैं, भाई हैं, और 20% बहुत ज्यादा होता है, 80% असली लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग सत्य के मार्ग पे हैं। तो रोशन एक बात बताओ, सबसे अच्छा कलाकार भोजपुरी में तुमको कौन लगता है? देखिए, अभी के समय के अनुसार से जो अच्छा कलाकार है उसको लोग दिल से अच्छा मानते भी है और आज भी मानते हैं, और जो नहीं है वो तो शायद फिर मुझे अब बताने की जरूरत नहीं रहेगी इस बात को, कि मैं मुंह से ही बताऊं तो समझेंगे। इशारा भी बहुत होता है समझने वाले इंसान के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। बस यही मैं तो अच्छा, कहना अब चाहूंगा, ऐसे बस लोगों मैं को क्या कहना चाहोगे रोशन, जो जातिवादी मानसिकता को लेकर, देखो क्या है ना कि अब अश्लीलता कम और जातिवादी ज्यादा चल रहा है। तो देखिए, अब ऐसा है, जितने लोग उस किस्म के सोचेंगे तो शायद हम आगे सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यदि पीछे सोचेंगे तो पीछे ही जाएंगे ना। हर एक बिल्कुल कोई बिल्कुल कदम बिल्कुल सोचता है आगे रखने का ताकि हम आगे बढ़ें, लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं तो फिर पीछे ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है रोशन भाई ना, कि देखिए क्या है कि मतलब नहीं है, आज आज रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं और लोगों का रिक्वेस्ट भी आया है, लोग मेंशन किया है कि आज पवन सिंह का भाई एक जातिवादी गाना लाया है, जातिवादी कि बबुआन ब्रांड। तो यार वो छोटा कलाकार है, अभी हम कुछ बोलेंगे ना तो उसका गाना का प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो ये लोग नहीं समझते हैं, इनको लगता है ना कि हम नहीं बोलते हैं, बोलेंगे जी लेकिन एक दो बिल्कुल दिन सही, 3 दिन रुक के बोलेंगे, अगर हम अभी बराबर बोलेंगे तो बराबर प्रचार प्रसार हो जाएगा झूठ मूठ का। अरे भाई हमारा सब नजर में रहता है, सब निगाह में बना रहता है, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। नरेश कुमार शर्मा जी जुड़ जाइए, अगर लाइट है तो लाइट जला लीजिए। और खाना पीना हो गया रोशन? हो गया। मैं आपका लाइव देख रहा था, और मैं आपका लाइव के टाइम में बिल्कुल फ्री ही होता हूँ, और आपका कोई लाइव इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि मैं नहीं देखता हूँ। इसीलिए इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए हम अभी लाइव आते हैं, क्योंकि सोने का समय है और सोते समय लोग बेड पे फोन देखता रहता है, सब लोग फ्री रहता है, तो काम का भी समय और नहीं, हम भी ये फ्री थोड़ा रहते हैं। टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग तो अभी इधर तमिलनाडु में है, तो इसके लिए इतने टाइम में ही तकरीबन जितने लोग भी हैं बाहर में वो सही फोन इस समय ही यूज कर पाते हैं, उसके बाद नहीं होता है। चलिए एक एक लड़का का मैसेज पढ़ते हैं। विनय डांगी, तुमको फेमस होने आज मोबाइल नंबर भेजा भाई, करेंगे तुमसे बात करेंगे। विनय भारती जी, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है रोशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फेमस होने के लिए, अरे भाई फेमस होने के लिए क्या हम बताएं यार, फेमस देखिए यार जो ये शब्द कहता है ना फेमस होने के लिए बात, वो कल भी हमारा समर्थन नहीं करता था और आज भी नहीं करता है और आने वाले दिनों में भी नहीं करेगा। वैसे चंद लोगों को हम टाइम ही नहीं देते भाई, हम ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। क्या फेमस होना है बताओ ना, किसी की माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, अरे यार आपकी माँ बहनों के लिए लड़ रहे हैं, कभी समझना कि दिन रात हम दोनों भाई मगहिया जवान अपनी माँ बहनों की गालियां किस लिए सुनता है, क्यों सुनता है, कौन चाहेगा यार? झूठ का मोल का FIR, झूठी साजिश, धमकी, गुंडागर्दी, सब किसके लिए सुनता है, कभी सोचिए विचार कीजिए। सुमित कुशवाहा जी भाई ऐड कीजिए, बात करना है, बिल्कुल सुमित कुशवाहा जी ऐड करेंगे आपको, रिक्वेस्ट चला गया है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो कभी मतलब मनसा दिमाग में लाइए कि आपका भाई इतनी यार क्या मतलब, कभी कभी हंसना आता है। आइए कुशवाहा जी कैसे हैं? मैं सीख रहा हूँ।
जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से हैं कुशवाहा जी? जी हम चंपारण जिला से है। अरे वाह, चंपारण वाले भाई लोग बहुत सारे एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, देखते हैं। जी भैया, आपका हम पूरा वीडियो देखते हैं। अच्छा, मुहिम के बारे में कहिए आप कि हमारा मुहिम कितना रंग ला रहा है, क्या सुधारने की जी आवश्यकता है, क्या बदलने की आवश्यकता है। आप लोग के मुहिम से तो बहुत सारा अभी चेंजिंग हुआ है, देख रहे हैं। बहुत सारे कलाकार लोग अश्लील गाना को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, लोग लेवल में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। गाना और थोड़ा अच्छा एक बात बताइए, आप अपना फेवरेट सिंगर का नाम हमको बताइए। मेरा फेवरेट सिंगर तो पवन सिंह है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर पवन सिंह है, और पवन सिंह जब अश्लील जी गाना गाते हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? जब आपका फेवरेट सिंगर, जब आपका सुपरस्टार जी अश्लील और गंदा गाना गाता है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा विरोध करते हैं। आप जैसे आप वीडियो बनाते हैं उस पर भी मैं कमेंट करके विरोध करते हैं। अच्छा, तो नहीं, मेरा कहना ये है कुशवाहा जी कि जैसे आपका जी अगर सिंगर गंदा गाए, अश्लील गाए, माँ बहन बेटी का नाम लेकर गाए, तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने सुपरस्टार को? जी यही कहना चाहेंगे कि आप जो आप अश्लील गाना गा रहे हैं उसको आपके फैन, बहुत सारे फैन सुनते हैं, तो आप ऐसा गाइए कि ताकि समाज में जो है वो चल सके। इससे ना कि हाँ, आप मेरा भी गंदा गाना मेरा भी गाइए मेरा तो भी मेरा भी क्या है ना कुशवाहा जी, यही कहना है यार, आप सिंगर हैं अब, आप बड़े सुपरस्टार हो गए, तो आप जो गाना गाते हैं, आप गाना जो गा रहे हैं वो ऐसा गाइए कि आपकी घर की माँ बहन भी सुन सके कि अरे भैया का गाना है, और झूम सके बारात में, शादी में, ब्याह में, है कि नहीं? हमारी माँ बहनें भी सुन जी सके, मैं भी सुन सकूं, मैं भी आके बताऊं कि सुनो ये गाना कैसा गाना है। मेरा भी यही कहना है यार, जी हमारा किसी से पारिवारिक लड़ाई झगड़ा नहीं है, जमीनी विवाद हमारा किसी कलाकार से नहीं है। चलिए, अच्छा जी लगा भाई जी, समर्थन बनाए बिल्कुल रखिए भाई आपका, आपके उम्मीद पे, आपके आस पे खड़ा उतरेगा जैसे उतरते आया है। शुक्रिया। जी जी धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए भैया, मना नहीं है। बिल्कुल मंटू जी, बिल्कुल। चलिए कुछ लोगों का मैसेज पढ़ लेते हैं। दीपक सिंह जी कह रहे हैं हमको जोड़िए, बिल्कुल रिक्वेस्ट, दीपक जी चला गया है, आपको जोड़ते हैं, तब तक मैसेज पढ़ लेते हैं। दीपक जी रिक्वेस्ट चला गया है, पति चंपारण बेतिया से मिलने ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल ज्वाइन करते हैं आपको। मनीलाल चौधरी चंद्रवंशी, बिल्कुल रिक्वेस्ट चला गया है। नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, आवाज नहीं आ रहा भैया, कैसे हैं आप? आवाज नहीं आ रहा, आवाज अच्छा, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो, आवाज ही नहीं आ पा रहा आपका। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। अभी जा रहा है क्या, क्लियर आवाज? हेलो, आवाज जा रहा है? एक बार दोबारा करता हूँ मैं, अभी आपका आवाज नहीं आ पा रहा बिल्कुल भी हाँ नहीं। ठीक, फिर से करता हूँ। ठीक। हाँ, मैसेज कीजिए कि आप लोगों को हमारा आवाज जा रहा है कि नहीं। हाँ, मैसेज कीजिए कि हमारा आवाज आप तक पहुंच रहा है या नहीं। सिंगर राहुल दीवाना, मेरा भी कॉल उठाइए, बिल्कुल भाई बिल्कुल उठाएंगे। एक बार मैसेज कीजिए, राहुल दीवाना आपको रिक्वेस्ट चला गया है, एक बार हमको मैसेज करिए आप लोग कि हमारी आवाज आप तक जा रही है या नहीं। हाँ, दीवाना जी को रिक्वेस्ट गया है, एक्सेप्ट कीजिए आप। भाई जुड़ गए हो, और लाइट जला लो, लाइट जला लो, लाइट रहेगा तभी बात कर पाएंगे, चेहरा भी दिखना चाहिए क्योंकि आप एक कलाकार है, नहीं तो डिस्कनेक्ट कर दूंगा दीवाना जी। डिस्कनेक्ट कर दिया भाई को, लाइट रहेगा तभी जुड़ पाएंगे, लाइट जैसे ही रिक्वेस्ट जाता है आप जला लीजिएगा। हाँ, आ रहा है आवाज। मुरारी कुमार जी कह रहे हैं, अरे लव यू, थैंक यू मुरारी जी, आवाज हमारा जा रहा है। अंकित जी बोल रहे हैं, चलिए अंकित क्षत्रिय, अंकित सिंह जी आपको रिक्वेस्ट चला गया है। अरे यार कितना हरामी हो तुम यार, तुम जैसे लोग को नाम लेंगे तो तुम्हारा मौसा नाराज हो जाएगा, समझे? इसीलिए हम नाम नहीं लेते हैं, और रात को लाइव आते हैं तो लोग कहेगा कि फिर पीले हैं, गांजा पीले हैं, दारू पीले हैं।
समझे, मौसा तो नाराज हो जाएगा बेटा, इसलिए कुछ ना बोलेंगे अभी। अंबिक कुमार जी की, मंडल जी कह रहे हैं आपका आवाज पूरा ऑल ओवर इंडिया जा रहा है। अरे भाई अंबिक जी आपको रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, नंद किशोर पाठक जी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक बार आपको मैं एक्सेप्ट किया था। मंडल जी आपको रिक्वेस्ट भेजे हैं, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। स्वच्छ बिहार, हाँ स्वच्छ बिहार वाले भाई जी, देखिए जब तक आपका डीपी हम नहीं देख पाएंगे, नाम नहीं देख पाएंगे, तो माफी चाहेंगे, हम आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसके लिए क्षमा याचना है। मंडल जी चलिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं है, जब जुड़ रहे हैं तो किसी और को जोड़ते हैं। भैया हमको भी मौका दीजिए, सुजीत कुमार तिवारी, बिल्कुल तिवारी जी रिक्वेस्ट चला गया, एक्सेप्ट कर लीजिए आप ग्रेट हो भैया। माही जी कह रहे हैं सरफराज अंसारी हमें भी जोड़िए, चलिए जोड़ेंगे, एक भाई जुड़ जाए पहले। चलिए तिवारी जी नहीं जुड़ पाए, डिक्लाइन हो गए, बहुत सारा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि रिक्वेस्ट मैं भेजता हूँ, लोग नहीं जुड़ पाते हैं, कोई नेटवर्क इशू चलता है, इसके इसमें हम जिम्मेवार है नहीं। आप सब नाराज प्लीज मत होया कीजिए कि आपका भाई आपको जोड़ नहीं रहा है, हम सबको रिक्वेस्ट एक एक करके भेजते हैं। नीतीश सिंह कह रहे हैं कि अगर मेरा भी रिक्वेस्ट गया है तो एक्सेप्ट कीजिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया हूं नीतीश जी, आप देख लीजिए। गौतम भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से हैं? नमस्कार नमस्कार, भैया मुजफ्फरपुर से हैं। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से हैं। अच्छा मुजफ्फरपुर से हैं, अरे वाह। अभी 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 मुजफ्फरपुर के एक श्वेता जी का इंटरव्यू आप देखे होंगे? जी, वीडियो हम देखे हैं भैया जी, वीडियो देखे हैं उनका, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा। नहीं क्या है कि बहुत ही ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, वैसे लोगों को जोड़ते हैं जो लगता है कि नहीं हमारे मुहिम में इनको रखना चाहिए, इनके वजह से बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। आप बताइए कि कैसा लग रहा है हमारा मुहिम में, या भाई में क्या गलतियां हैं, क्या हमें सुधार करना चाहिए? बढ़िया भैया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जितना सलमान खान को फॉलो नहीं करता हूँ ना, उतना आपको फॉलो करता हूँ। अरे भाई, अरे लव यू मेरे भाई, फॉलो नहीं देखिए, आप सब भाई के बदौलत ही आज हम यहाँ है, आज पूरा हमारा बिहार हो, हिंदुस्तान पूरा सुन रहा है ना, तो आप सबके बदौलत, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज कोने कोने में आवाज हमारा जाता है। जी बिल्कुल भैया, हम आपको मतलब सही बता रहे सच में है कि मतलब भगवान का कसम खा के कह रहे हैं कि जितना सलमान खान को हम फॉलो नहीं करते हैं ना, उतना फॉलो हम आपको करते हैं, तब से जब से आपको ये मुहिम चालू हुआ है तब से। थैंक यू, फैन नहीं बनना है, सब भाई बना के सबको रखेंगे यार, कभी मिलिए, कभी देखिए, कभी क्या है कभी हमसे मिलिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे हैं दिल के यार, कहेगा तो मिलिएगा तो फिर हमारा ही बन के रह जाइएगा, और हमको फैन नहीं बनाना है, सब हमारा भाई है, कभी मौका मिलेगा तो हम मिलेंगे, फिर पता चलेगा कि भाई आपका कितना नरमी दिल का है। हम आपसे जरूर मिलेंगे भैया, एक बात करना चाहते हैं। जी जी बताइए बताइए कि भैया जी, जब से मतलब आपका वीडियो हम देख रहे हैं ना, मतलब देखिए गलत का विरोध कहीं भी होना चाहिए, वो कहीं का भी हो या कुछ भी हो, लेकिन गलत का विरोध करना चाहिए बिल्कुल। और ये अश्लील का विरोध भैया पता नहीं आप कब से मुहिम कर रहे हैं, एक दो साल से तो कर ही रहे हैं आप, दो साल हाँ, उससे पहले से हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तभी तो हमारे साथ है, नहीं तो समर्थन करने वाले लोग तो अपने जात के लोगों को समर्थन करते हैं, कहाँ हमारा समर्थन करते हैं, लोगों को समझना चाहिए, लोग कहाँ समझ पाते हैं। चलिए चेहरा दिखाइए, सामने आइए श्रीमान जी, बहुत मुश्किल से लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं भाई, और जुड़ रहे हैं तो लाइट वाइट जला लीजिए। कहाँ से हैं भाई आप? कहाँ से हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। अरे वाह, भागलपुर से आप है, चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं? जी नहीं, दिल्ली में रहता हूँ जी, पर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, इसके लिए सोचता मैं। फैन नहीं कहिए, फैन कहिएगा तो हम नाराज हो जाएंगे, भाई कहिए कि आप, आपका छोटा भाई है, आपसे प्यार करते हैं, बस खत्म। नाराज की बात नहीं है गौतम जी, ठीक है, देखिए अगर आप जहाँ अच्छा करते हैं ना, तो उसके लिए हम भी आपका सहायता कर सकते हैं, अगर हम छोटे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सिंगर गलत करेगा उसके साथ
आपको गलत करने से मतलब कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। अच्छा आप मुझे बताइए जी, अब दो, दो दोनों भाइयों से सवाल है, एक एक करके जवाब देंगे कि लोग सुन सके। जैसे अगर जी, कोई कलाकार जी, अश्लील गाता है जी, तो जैसे कुछ लोग समर्थन करते हैं कि हमारा जात का कलाकार है, का हुआ गंदा गाया तो हमारा जतिए के ना है, हम करेंगे समर्थन, तो वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना भैया, मैं तो यही कहूंगा भैया, हेलो भाई, एक एक करके जवाब देते हैं दोनों आदमी, ठीक है? एक एक करके आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए भाई, वो गाना हो या कुछ भी हो, ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी चीज गलत हो रहा है तो उसको गलत के बजाय गलत बोलिए, जाति की तरह मत लीजिए आप, ठीक है? कोई भी हो पहले भी कहे हैं। आप कहिए दिल्ली वाले भाई जी, भागलपुर वाले, आप कहिए क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो कहते हैं कि हमारा जात का कलाकार है, गंदा गाएंगे तैयो सपोर्ट करेंगे, माई बहन बेटी के नाम लेगा तैयो सपोर्ट करेंगे, वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? पहले नंबर तो जी, हम ये जाति वाले का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि जाति बात पे कभी गाना कोई नहीं गाना चाहिए, क्योंकि हर जाति में एक ब्रांड होता है ना जी, तो बोलिए। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि इस जाति से हैं तो आप अपने आप को ऊपर मतलब सोच रहे हैं कि पहले भी एक छोटा सा संदेश हमको याद आ गया, भगवान सबको इंसान के रूप में जन्म देते हैं, जाति तो नीचे बटा है यार, धरती पे बटा है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक, दिल्ली में आप रहते हैं तो सब आपका यार दोस्त पूरे आप ही का जाति का ना होगा जी महाराज, सब अलग अलग जात के होगा, अब सब जात के साथ बैठ के खाना खाते होंगे, हम भी वही करते हैं, जब हम मीटिंग में जाते हैं तो 10 को लोग रहता है 10 जाति से, सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं, सबके साथ प्यार है। अब बाहर जाइएगा तो अपने जाति वाला दोस्त ना ढूंढिएगा। नहीं 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 नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी है जी, ये मतलब एक ही जात मिल जाएगा हर जगह, ऐसा नहीं है। गौतम जी, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, ठीक है, कि आप जैसे इंसानों का, बस मैं तो यही चाहता हूँ कभी आपके साथ रहूँ तो मैं आपके साथ ऐसा भाषण दूंगा वो स्टेज पे ना, जो उसकी जातिवाद पर गाना निकालता है ना, वो कभी इस चीज पे, कभी वो चाहे कोई भी सिंगर हो, खेसारी हो, भाई का मौका मिलेगा, और जब भी आएंगे दिल्ली भी बहुत जल्द आने वाले हैं, फिल्म की डबिंग वहीं होगी, तो मुंबई या दिल्ली आएंगे तो बताएंगे आप लोगों से। और अच्छा लगता है जब कहीं बिहार के किसी भी कोने में भाई से मुलाकात होता है ना, तो लगता है कि यार अपने भाई से मिले, हमको सुपरस्टार नहीं बनना है, सुपरस्टार बनेंगे ना तो 10 को बाउंसर रहेगा, भीड़ रहेगा, आपसे मिल नहीं पाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुपरस्टार बनने का ऑप्शन बहुत है भैया, इसीलिए तो आपका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। भाई आपका कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाए ना, जैसे आज बतियाते हैं वैसे ही बतियाएंगे, जैसे लोग बतियाते हैं, कमेंट का रिप्लाई जोड़ते हैं, आजीवन याद रखिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए भाई, कभी हम ईगो में नहीं आता है, इंसान है, इंसान बन के रहना चाहते हैं। यही तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, ऐसा जिंदगी, हर इंसान गरीब अमीर होता है, किसी के अंदर अगर कोई अमीर है ना तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हम इतना अमीर हैं, है ना जी? जी जी, क्योंकि क्योंकि उसको भी ना भगवान ने पैदा करता है और आपको भी भगवान ने पैदा करके भेजा है, तो इसमें कोई गरीब और अमीर का कोई बात नहीं है, है ना जी? चलिए अच्छा लगा, जाते जाते लोगों को, छोटे भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप दोनों जाते जाते समर्थन के लिए? मैं तो सबसे पहले गौतम जी, हम ये बोलना चाहेंगे, हमारे यादव जो भी है, ठीक है, वो लोग विरोध करते हैं कि ऐसा बोलता है ऐसा बोलता है, लेकिन यादव भाई लोग हम यही बोलना चाहेंगे आप लोगों से जी, बोलिए बोलिए, कृपया करके बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए, मत जाइए जातिवाद पे, मत जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है, इन लोगों को थोड़ा विदा कर देते हैं, फिर हम लोग बतियाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें भैया हम एक छात्र हैं, ठीक है, और भाई लोग हम यही बोल रहे हैं। नमस्कार 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 नमस्कार, आप लोग कहाँ से हैं आप? भैया साउंड की प्रॉब्लम लगी था हमारा, ना आवाज आई था। कहाँ से कहाँ, घर कहाँ हो लोग? घर घर कहाँ हवा, घर कहाँ हवा, घर घर भैया भैया कही थी, बार हेडफोन लगा के कोई हेडफोन लगाई थी, फिर जोड़िए भैया, हेडफोन लगाई थी। ठीक ठीक ठीक, चलिए, काफी रात हो गया और रात में हजारों लोग अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जाते जाते और आखिरी में भी आप सबसे कहेंगे
हमारे लिए गालियां किसी को मत दीजिए, क्योंकि देखिए अब कार्रवाई वैसे लोगों पे भी किया जाएगा ना, जो कमेंट में गालियां देते हैं और सोचते हैं ना कि पिंटू पासवान जी आपको ऐड करते हैं, गालियां देने से कुछ नहीं होता है बेटा। जब पछवाड़े पे डंडा पड़ेगा ना पुलिस का, तब पता चलेगा ना कि कमेंट में गालियां लिखने से भी क्या होता है। ये मत समझो कि वीडियो बनाने से खाली कुछ होता है, कार्रवाई गाली देने से भी होता है। तो लोग समझते नहीं है लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। वतन चौधरी जी कह रहे आप हमारे लिए सुपर स्टार है। अरे भैया प्यार है आप लोगों का। कहिए पासवान जी कैसे हैं? हेलो स्वच्छ बिहार वाले भाई जी, आपका रिक्वेस्ट चला गया है। कहिए पासवान जी कैसे हैं? ठीक है ठीक है। कहाँ से हैं आप? जी पटना। पटना से है? अरे वाह, राजधानी से। कहाँ रहते हैं? बस पटना में ही रहते हैं। कहिए कुछ हमारा भी शिकायत करिए महाराज, सब लोग हमारा बढ़ाइए करेगा तो कैसे चलेगा। कुछ हमारा भी शिकायत कीजिए कि भैया आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे गलत हैं, तब तो सुधारेगा आपका भाई। हाँ बहुत ही अच्छा बात है जो आप जो बात को अच्छी कर रहे हैं, उठाए हैं। आप ऐसे लोगों को पासवान जी क्या कहना चाहेंगे जो निरंतर गंदी गंदी गालियां लोगों को देता है, एक दूसरे को माँ बहनों की गालियां देता है? अश्लील कलाकार गंदा गाता है इसलिए सपोर्ट करता है कि हमर जात के है, तो बताइए आपका जात का कोई सुपरस्टार नहीं है तो आपका गाना नहीं सुनते हैं? सुनते हैं कि नहीं? जो भी सिंगर है जो दिया होता जो गाना करता है उसको थोड़ा सा मैंने हम वैल्यू नहीं देते। अच्छा अच्छा जी। मान लीजिए आपके साथ दो बंदा बैठा है, हर एक कास्ट से है। जी जी बिल्कुल ठीक है। हम भी अलग कास्ट से, अगर यादव का लड़का है यादव का लड़का है तो वो गाना अपना सुनेगा, हम साथ बैठे हैं ऐसे ही। मेरे साथ स्टडी रूम में लेकिन बंदा था। वैसे लोगों को आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने अपने से छोटे भाइयों को, युवाओं को, कुछ नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पासवान जी नमस्कार भैया, गौतम भैया। वेट 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 भाई जी से थोड़ा बात करें, लाइन पे रहिए आप लोग। ओके थैंक यू भैया। आप पासवान जी वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जैसे आपके छोटे भाई है, नई पीढ़ियां जो आ रही है, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हमको बनने का मतलब है आप इस बात को आवाज उठाइए, ऐसा गाना नहीं चलना चाहिए। अगर जो भी गाना चलना चाहिए थोड़ा अच्छा मोटिवेट किसी तरह का, अब ये नहीं कि जतियाता किसी के बात बोले उसके जतियाता बोले। अब हम अलग कास्ट से हैं तो हम अपना कास्ट। आवाज बहुत स्लो आ रहा है आपका, थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ पा रहा है। आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए, आ रहा है, बोलिए। आवाज नहीं। चलिए स्पेशली आज आप लोग सुन लीजिए, स्पेशली आज हम इसलिए भी लाइव आए थे एक हैवान दानव बिमलेश राज यादव आज गिरफ्तार हो गया है, जो हमें गालियां देता था, हमारी माँ बहनों को देता था। नंद कुमार तिवारी बाबा को भी गालियां दिया था, कहता था कि हम यादव हैं, यादव हैं, यादव खानदान से हैं। अरे भाई कोई खानदान से रहो तो किसी की माँ बहनों की गालियां दोगे? तुम्हारा खानदान का लोग यही करता है। तुम जिस बाप के लिए गालियां दे रहे हो, जिसको सुपर स्टार बोल रहे हो, आज तुमको फोन नहीं किया होगा, आज तुमको छुड़ाया नहीं होगा। बोलो ना कि मौसा छुड़ा ले। जब पछवाड़े पे डंडा पड़ता है ना तो खुद की औकात पता चल जाती है। कहिए स्वागत है आपको स्वच्छ बिहार वाले, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, अपना बताइए आप कैसे हैं भैया? अरे भाई लोगों का प्यार है, हम जिंदाबाद है। कहाँ से हैं आप लोग भैया? हम मुंगेर जिला से हैं। कहाँ से? मुंगेर, बिहार, मुंगेर से। मुंगेर से हैं, मुंगेर से। हाँ भैया, मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अरे बहुत लव यू मेरे भाई, आप हमारे प्रशंसक हैं हमारे जी। अश्लीलता का मुहिम चलाते हैं हम सभी स्वच्छ बिहार में। हम लोग आपका आपको गुरु मानते हैं और हम लोग चला हुए आपका। थोड़ा तेज से, थोड़ा तेजी बोलिएगा फिर सुनाई देगा, थोड़ा कम आ रहा है आवाज। मैं आपको गुरु मानता हूँ आपका, आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपका चला हुआ भाई है हमारे। आप लोग आज देखिए, आज भाईचारा है तभी इतना प्यार से हम लोग बात कर रहे हैं। आज आप लोगों ने इतना समर्थन किया कि हजारों लोग रात को भी जुड़ जाते हैं हमारी बात सुनने के लिए, अच्छा लगता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि आप सब प्लीज
कभी भी गंदे गानों का समर्थन मत कीजिए। गंदा कोई गाए, गंदा कोई बजाए, आप लोग बोलिए, उसको बोलिए कि यार तुम्हारे घर में भी माँ बहने हैं, समझो। तुम्हारी बहन अगर कहीं शादी में जाएगी, कहीं बर्थडे पार्टी में जाएगी, तो सर नीचा करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्यार से समझाइए लोगों को। सर बात है भैया, ये सब प्यार से मानने लायक नहीं है, मानते नहीं है ना प्यार से। आप आज आप दोनों देखिए, आप दोनों भाई है ना, आप दोनों भाई हमारा बताइए कि हमारा में गलती कुछ कही है, अभी तक कोई नहीं कहा है, तभी तो आपका भाई सुधारेगा। आपका कोई गलती नहीं है, हम लोग आपका पूरा सपोर्ट में रहते हैं हमेशा, ऑल टाइम जो भी होता है मैं उसके पीछे आवाज उठाता हूँ। नहीं देखिए क्या है ना कि क्या नाम हुआ, पहले नाम बताइए स्वच्छ बिहार वाले जी। मेरा नाम हुआ सूरज कुमार और हमारे साथ ये हैं अर्जुन कुमार जी। अच्छा अच्छा, देखिए क्या होता है ना। नमस्ते भैया। अरे स्वागत है, स्वागत है, लाइन में रहिए, भाई से बात करके करते हैं। क्या होता है ना, देखिए कमजोरी और कम बुद्धि और सीखने की उम्र, ललता लोग मरते मरते दम तक सीखता है। देखिए कमियां हम में भी होगा, कहीं कहीं गलतियां आपका भैया भी करता है, आपका भाई करता है, समझे कि नहीं। लेकिन इसको हम तब सुधारेंगे जब आप लोग कहिएगा कि भैया नहीं थोड़ा सा यहाँ पे सुधारिए, समझे। नहीं तो देखिए आप गलती करिएगा, आपको हम कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आपका मन बढ़ता जाएगा, आप अपनी गलती को नहीं सुधार पाएंगे। तो हम प्रयास करते हैं कि आप सब कहिए, वो हम काम करेंगे। बाकी अच्छा लगता है आप लोग इतना रात को भी बिहार के कोने कोने से हमारी आवाज सुनते हैं, आप लोग पहुंचता है, मतलब दिल बाग बाग हो जाता है, लगता है कि दुनियादारी छोड़ दे, बस आप लोगों के लिए काम करें हम। ऐसा सर भैया, अभी हम बिहार में नहीं है, इसे हम बेंगलोर में रह करके भी आपका सपोर्ट में है, और हम आपके प्रति वीडियो बना करके हम भी डालते हैं आपकी तरह स्वच्छ बिहार में। चलिए बहुत अच्छा लगा, भाई से बात कर लेते हैं, भाई लाइव कहिए, भाई कैसे हो। नमस्ते भैया, पहले आपका पैर छू के प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं आदमी यार। आपका वीडियो में सिर्फ चार दिन से देखा, आपका सारे प्रोफाइल चेक किया मैंने, फेसबुक में फेसबुक नहीं यूज कर रहा था, आपका वीडियो चेक किया, और आप जो विरोध कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो 10 साल पहले होना चाहिए वो अभी हो रहा है, और आप जो चालू किए हो, आपका साथ हम हमेशा, हम बॉम्बे में रहते हैं, मैं झारखंड के रांची का रहने वाला हूँ, और एक्चुअली हम भी गाना गाते हैं, मनोज झारखंडी है ना हमारा, राज भाई हमारे भाई हो, हम एक ही जगह रहते हैं। कहाँ से हैं छोटू आप? मैं हजारीबाग से हूँ। कहाँ से बाबू? हजारीबाग, हजारीबाग। अरे वाह, धन्यवाद, हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड से हैं। चलिए, बहुत कम ही लोग जुड़ पाते हैं क्योंकि कमेंट में पहचान नहीं पाते कौन कहाँ से है। अच्छा लगा, मैं आपको कब से रिक्वेस्ट है हमको बात करना, बात मेरे को लगा पता नहीं आप नहीं ऐड कर, मतलब शायद नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, मैं तब से कह रहे। और आप जैसे छोटे भाई के लिए है, कभी भी जिंदगी में याद रखिए गलत चीजों का समर्थन नहीं करना है, चाहे वो काम कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। मैं दो तीन वीडियो में इसलिए क्या गलत मीनिंग वाला बनाया था, मैं जब से आपका वीडियो देखा ना इंस्टा सारे डिलीट मार दिया, नहीं अच्छा चीज बनाना है। और बात रही आप जिसको विरोध करते हो, अपना जो दो तीन असर है, हाई हो गई, हॉल हो गई, मतलब भैया मतलब क्या है जो आप जो कर रहे हो ना, एक नंबर हो गया वो गया बिहार में, तो हम ये कर दिए, क्या कर दिए। मैं भोजपुरी बहुत सुनता हूँ भैया, और पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, अजय बहुत सारा गाना उनका जो था उल्टा सीधा, कुछ गाने अच्छे, कुछ 100 में से 10 ही गाना अच्छा होगा उनका। और बात रही खेसारी अच्छा, तो उनका सारे गाने गलत। आपका जब सुपरस्टार गंदा गाता है तो आपको क्या दिमाग में आता है, क्या लगता है? कम से कम 100 बार मैं कमेंट करता हूँ आप ये चीज गलत क्यों, एक गाना ना आई ढोड़िया लौका तेरे भाई, आई उंगली घुसा बात क्या कर, मतलब कुछ भी, हमारे घर में माँ बहन है, हमारे दीदी चाहे तीन अपना घर में सब देखते है, तो मतलब हम साथ में कभी बैठ के देख नहीं सकते। अब राज भाई वीडियो बनाते हैं, उनका कभी देखे गलत चला गया है। प्रिंस जी आपको जुड़ जाइए, प्रिंस बाबू रिक्वेस्ट चला गया है, लाइट जला लीजिए। और अरे वाह, कैसे हैं बाबू, इतनी रात को जागे हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं? बक्सर से सर, बक्सर से। बक्सर बक्सर बक्सर। आवाज आपका स्लो आ रहा है। यस, हेडफोन लगा लीजिए आप, तब तक हम भाई से बात कर लेते हैं, हजारीबाग वाले भाई से। हाँ तो नहीं, वो हजार भाई, आप वो मुझे बताइए कि जब आपका फेवरेट सिंगर, फेवरेट एक्टर
गलत करता है तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे उनका गाना कम सुनने लगता है, इग्नोर कर देता हूँ। अभी मैं ज्यादा भोजपुरी बहुत सुनता था, बट मैं अभी ज्यादा करके अपना खुरथा लैंग्वेज सुनता हूँ। सतीश हो गया, हमारा मनोज झारखंडी हो गया, ये लोग गाने देखिए 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 रुकिए रुकिए, एक अमित यादव है, देखिए इसका पोस्ट हम इसके हम कमेंट को पिन कर दिए, नीचे में देखिए, नीचे में आप दोनों देखिए क्या लिखा है, अमित यादव है, एक गाली लिखा है, घर में मां बहन लिखे एक गाली लिखा है, अगर इसके इसको हम बोल दें गाली दे दें इसको, तो इसके जो बाप है ना मौसा मौसा, वो हमारा वीडियो लगा देगा कि गलिया दिया, दारू पीले था, 12 बजे रात में लाइव था। भाई हम भी इंसान हैं और तकलीफ हमको भी होता है, और हम गांधी जी नहीं है, याद रखना, हम फिर से कह रहे हैं गांधी जी नहीं है, हम सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के टीम से हैं, समझे, जो जिस भाषा में समझेगा ना उसी भाषा में समझाएंगे। और आइंदा बोल दिए अमित यादव तुम्हारा टैग है ना, तो माए बहन ऐसा करेंगे ना बेटा, सात पुश तुमको याद करेगा, और चेहरा हमारा जो चेहरा है ना गौतम सिंह का सामने, पूरा खानदान तुमको याद करेगा बेटा, नहीं देखिए कैसे गाली दे रहा है, ये गलत बात है। अरे इसी को दे देंगे तो न्यूज में चला देगा, न्यूज में कि मगहिया जवान गाली देता है, ये करता है वो करता है, बराबर नहीं ना, आप सही कर, तो मैं आपका सारे वीडियो देखा, अगर भाई आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं बॉम्बे में जॉब करता हूँ, और अगर कभी अगर कुछ हुआ अगर बोलेंगे आगे बहुत छोटे ऐसे लौंडे ना, अपने सगे बाप को बाप नहीं बगल वाले को बाप करता है, ये माँ रात को चली गई होगी बगल वाले के घर में, तो वैसे ही लोग हैं ये सब, वैसे ही लोग हैं। बाबू आप कहिए कैसे हैं, बक्सर घर बताए थे क्या आप? आपका आवाज आ ही नहीं रहा है मेरी तरफ, आ रहा है आपको, आपको आ रहा है क्या बाबू? स्लो स्लो आ रहे हैं, बहुत स्लो आवाज आ रहा है आपका। चलिए कभी फिर हम लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगा छोटू हजारीबाग वाले भाई, लव यू रहेगा आपको, और टेक केयर आपको, लव यू टू भैया, आई लव यू भैया, आप बहुत प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं भाई, आप लोग आप सारे वीडियो देखते होंगे, थैंक यू, ओके भैया धन्यवाद। चलिए रात काफी ज्यादा हो गया भाई, आप पहले अकेले थे लेकिन अब हम लोग साथ हैं। अरे रंजन रंजन कुमार सौ जी आपको रिक्वेस्ट भेजे हैं, रंजन जी कमेंट आपका पढ़े, रिक्वेस्ट आपको भेज दिए हैं, एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए, हमको पता है अब हम अकेले नहीं पूरा जहान है हमारे साथ। तिवारी प्रीतम जी कह रहे हैं बहुत बड़े फैन है भैया, अरे लव यू मेरे भाई। गौतम भाई कुछ दिमाग 24 घंटे में प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं भैया, आइए प्रदीप भैया आइए, आपको भी जोड़ते हैं, आइए प्रदीप भैया आप भी आइए, आपको भी जोड़ते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कहिए शाह जी कैसे हैं, सौ जी सर अपना बताइए। अरे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, कहाँ से हैं आप? बढ़िया है, आप कहाँ से हैं आप? हेलो कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? गया से। गए से हैं महाराज, हमारे जिलवा से पड़ोसी हैं, आ रहा है। अच्छा गया में कहाँ? आई तो पहाड़पुर है महाराज, तो हमार अगल बगल से लोग जब जुड़ता है तो हमारा ज्यादा पूछे पड़ता है कि गया में कहाँ कहाँ, जरूरी है ना? हाँ आ रहे हैं। तो कहिए हमारे बारे में कहिए आप, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जिला से हैं और बड़ा खास हैं, तो कहिए कि भाई आपका कहाँ गलत है या कितना हम अच्छा कर रहे हैं, बताइए आप सौ चीज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के जमाने में अगर हम लोग तरफ बैठिएगा ना टेम्पू, इतना गंदिया घटिया गाना बजता था पहले, आदमी सुन बैठ ना पाता था जी जी, लेकिन अब देखते हैं कि बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है भाई, कहने से सुधार है ना? हाँ सुधार रहेगा, जोर से बोलिए जय मगर दे बिहार। ये मूवी चलाते रहिए आप, समझे? हाँ हाँ चलाते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। अरे थैंक यू, लव यू। कहिए भाई जी कैसे हैं, कहाँ से हैं आप, स्वागत है। प्रणाम भैया। अरे नमस्कार, कहाँ से हैं आप? ऐसे तो कटिहार से है सर, लेकिन पूर्णिया रहते हैं। कहाँ से हैं? पूर्णिया से। बलिया? पूर्णिया पूर्णिया। पूर्णिया से है, अरे वाह जी। कहाँ रहना होता है आपका? यहीं रहते हैं पूर्णिया में। हम्म, हमारे मुहिम का असर आपके जिला में कैसा है?
कितना असर कर रहा है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, हम तो सबसे ज्यादा। अरे भाई है तभी आपका कमेंट्स में पढ़ा देखा। देखिए आप थोड़ा सा क्या है ना कि जज करके हमको बताइए कि निरंतर गलतियां कहाँ हमारा रहता है। आप लोग भी हमको सलाह दीजिए कि कहाँ हमको सुधारना चाहिए, कहाँ गलतियां हमसे हो जाता है, थोड़ा सा बताइएगा, नहीं तो भाई आपका सुधारेगा फिक्र। नहीं देखिए भाई, गलती रहता है तभी ना बोलेंगे, गलती है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, बात यही, गलती है ही नहीं तो। और जो आप मुहिम चला रहे हैं और एक नंबर काम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। जी भी। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर तो ऐसे आवाज में अगर बोले तो पवन भैया है। और ज्यादा गाना आप किसका सुनते हैं? बस उसी का। अच्छा, और जब पवन सिंह गाना गाता है तो कैसा लगता है आपको? देखिए बुरा तो सबको लगता भैया। देखिए सबसे आज खुल के कह रहे हैं आपको, लाइव में जोड़ के कह रहे हैं, एक चीज है, इतना दिनों में एक चीज अनुभव हुआ है कि सबका फैन है, लेकिन सबसे गंवार जो फैन है ना वो बस उसी का है, समझ रहे हैं ना इशारों इशारों में, सबसे गंवार। मैं देखा हूँ, मैं देखा हूँ। देखिए पवन सिंह का जब गंदा गाना आता है ना तो उसके सगे फैन लोग भी, अपने लोग भी विरोध करते हैं, भैया आपका फैन है इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ गाइएगा तब सुनेंगे, कुछ गाइएगा लाइक इट, ऐसे लोगों को हम पसंद करते हैं। रितेश पांडे जी का फैन, उनको बोलता है भैया गलत गाइएगा तो हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन चंद लोग हैं जो चमन चूतिए लोग, इसका फैन कहता है कि तुम माँ बहिन भी कर दोगे ना तैयो तुम बढ़िया कहेंगे, जय जयकार कहेंगे, तो हमारे जात के ऐसे लोग सख्त घृणा करते हैं और नफरत करते हैं। और वे आपका फिल्म कब आ रहा है? हाँ हाँ, चलिए फिल्मों की चर्चा कर दिए तो बात कर लेते हैं। फिल्म की शूटिंग करके अभी अभी हम आए हैं, कल ही लौटना हुआ है परसों। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, एकदम भ्रष्टाचार पे बना है, जैसे आपका भाई सबके लिए काम कर रहा है ना वैसे भाई भ्रष्टाचारियों से लड़ता है कि तू गरीबों को क्यों सता रहे हो, गरीबों को क्यों कर रहे हो, उसमें भी बेहतरीन एक्शन मार धाड़ भरपूर है, समझे कि नहीं? और शूटिंग हो चुका है, 2 महीने एडिटिंग डबिंग में लगेगा और दुर्गा पूजा दिवाली में सिनेमा आ जाएगा बिहार में, बिहार के कोने कोने में। और एक बार भैया आइए कभी इधर भैया, क्या बोले, आइए कभी इधर सीमांचल। अरे बिल्कुल आएंगे तो बताएंगे, और जब जहाँ भी हम आते हैं बताते हैं, थोड़ा समय का अभाव रहता है, प्राइवेट नौकरी है और छुट्टी थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी कहीं भी आते हैं तो भाई लोग को याद जरूर करते हैं। चलिए आखिरी आपसे और आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, रियली लाइक, बहुत बढ़िया लगा, लव यू भैया। चलिए थैंक यू, लव यू भाई। चलिए विदा लेना चाहेंगे जाते जाते आप सबसे, जितने लोग हैं सबसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम हमारा, और गाली देने वाले को देने दीजिए, निरंतर कार्रवाई जारी है, कार्रवाई जारी रहेगा। एक बहुत जल्द टिकारी का एक लौंडा है, खुद को भी कहता है हम ही हैं, हम वो हैं, हम फलाना है चिलाना है, बड़ी जल्दी उपरो पास होगा, समझें तो बस आप लोग इंतजार कीजिए, और हमें जितना चाहते हैं, जितना देखते हैं, जितना पसंद करते हैं आप सब, प्लीज हमारी वजह से किसी को गालियां मत दीजिए। अच्छा हमको भी नहीं, देखिए आपका भाई गाली सुन रहा है ना, खत्म कहानी, हम सुन लेंगे ना, आपका भाई बर्दाश्त कर रहा है, आप किसी को मत दीजिए प्लीज। बाकी अच्छा लगा, जिनको हम जोड़ नहीं पाए उनसे नम्र माफी मांगेंगे, विनम्र माफी मांगेंगे, और अगली बार जोड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी इतने रात को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद, लव यू, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय मगध, जय बिहार। आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, और गलत का विरोध करते रहिए। मर्द घर में पैदा लिए हैं, मर्द वाली फर्ज अदा कर।